मेरे प्यारे देशवासियों, कैसे हो आप लोग। चलिए मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। इस दिवाली मैंने एक नया सेल फोन खरीदा है और जिसका नाम है पोको F1 जो Xiaomi कंपनी बनाती है। इसका मैं अनबॉक्सिंग आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, वो आप देखिए और उसके बाद मैं इसके बारे में जो रिव्यूज रहेगा वो आपको दूंगा। दोस्तों जैसे कि आपने इसका जो अनबॉक्सिंग देखा, एक्चुअली मैं ये कोई टेक चैनल नहीं चला रहा हूँ, ये एक प्रैक्टिकल चैनल है। अब इसका अनबॉक्सिंग करने का जो वीडियो बनाने का इसका रीज़न ये है कि इस मोबाइल की जो कीमत है वो 20,000 के आसपास है और इतनी बड़ी कीमत के बाद जब आप किसी चीज़ को अगर ऑनलाइन ख़रीदते हो तो उसमें एक सिक्योरिटिकली आपको एक उसका जो ओपनिंग रहता है, जो भी बॉक्सेस आते हैं जिसका वो ओपनिंग करते हैं, उस टाइम में अगर आप वीडियो शूटिंग करके रखोगे तो आपके पास एक प्रूफ बन जाता है कि आपके साथ कोई स्कैम ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऑनलाइन शॉपिंग में स्कैम हो जाता है, उनको मोबाइल फ़ोन्स या ऐसे ही कुछ प्रीसियस आइटम की जगह पर कुछ पत्थर या साबुन की टिकिया, इस तरीके की चीज़ें मिलती है। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ का अनबॉक्सिंग का एक वीडियो बनाया और मैं उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों वैसे देखा जाए तो ये मोबाइल बहुत अच्छा है। मैंने इसका अनबॉक्सिंग करने के बाद इसको कम से कम 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और इसके बारे में जो रिव्यूज़ हैं वो मैं आपको दूंगा और ये प्रैक्टिकल रिव्यूज़ रहेंगे जिससे आपको हेल्प होगी। कुछ लोगों का कहना है कि इसके जो बॉडी है वो प्लास्टिक की बॉडी है और वो प्रीमियम नहीं लगती। दोस्तों प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आप कोई भी मोबाइल लो तो उसके बाद आप उसके लिए एक रबर का या फिर कोई प्रोटेक्टिव केसिंग तो खरीदते ही हो, क्योंकि सबको पता है कि हमारी रोज़ की एक्टिविटीज़ में मोबाइल पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो इसीलिए मेरे लिए ये प्लास्टिक बैग या फिर कोई प्रीमियम बैग ये कोई मतलब मायने नहीं रखता था, इसीलिए मैंने ये इसका जो प्लास्टिक बैग है उसको मैंने एक्सेप्ट किया। और इसका प्लास्टिक बैग बहुत हेवी है, अच्छा है। अब इसको खरीदने का कारण ये था कि प्लास्टिक रहता है वो एक बम्प रेजिस्टेंट रहता है, अगर वो गिरता भी है तो टूटता नहीं है, वो बम्प को रेजिस्ट कर लेता है। मगर ये जो मेटल या फिर जो ग्लास बैक वाले मोबाइल रहते हैं वो बहुत फ्रिजिल रहते हैं, अगर वो गलती से आपके हाथ से गिर जाए तो वो टूटने का चांसेस रहता है और वो इतने नाजुक रहते हैं कि फिर आपको नाजुक तरीके से ही हैंडल करने पड़ते हैं। तो इसलिए ये प्लास्टिक बैग का मेरे लिए कोई कंसर्न नहीं था और ये प्रैक्टिकली मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने लिया। दोस्तों इसमें 6GB रैम है, 128GB इंटरनल स्पेस है। ये वेरिएंट लेने का कारण ये था कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उनको स्टोर करने के लिए मेरे को अच्छी एक स्टोर प्लेस चाहिए थी, एक्स्ट्रा कोई हार्ड डिस्क कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए अभी ये 128GB में से अगर 100GB भी मेरे को मिल जाए तो भी बहुत हो जाएगा, उसमें मैं बहुत सारे वीडियोज़ को स्टोर कर सकता हूँ। दोस्तों इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अभी शाम के 6:30 बजे है और लगभग यहाँ पर अंधेरा छाने लग गया है, मगर फिर भी आपको इसकी वीडियो क्वालिटी दिखती रहेगी, वो भी फ्रंट कैमरा की। बहुत बढ़िया वीडियो क्वालिटी है और बैक कैमरा भी इसका बहुत नाइसली काम करता है और जितनी हमें ज़रूरत है उतना तो अच्छा काम करता है। देखिए प्रोफेशनल कैमरा से तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग, मगर एक मोबाइल के लिए और एक 20,000 के आसपास के मोबाइल के लिए बहुत अच्छी डील है। दोस्तों इसका प्रोसेसर बहुत फास्ट है, मैंने तकरीबन इसको हर ऐप के ऊपर यूज़ किया जो मेरे प्रीवियस रेडमी नोट 3 के ऊपर लैगी चलते थे, तो उनके ऊपर ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और गेम्स की बानी तो बहुत अच्छे तरीके से ये गेम खेलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा हीटिंग नहीं होती मोबाइल में और एक बढ़िया तरीके से इसका रैम मैनेजमेंट भी है। इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है और मैं तो मतलब समझता हूँ कि इसका प्रोसेसर बहुत बढ़िया है और ये बहुत ही बड़ी डील ब्रेकिंग इसके लिए है। दोस्तों बैटरी का देखें तो अराउंड 2 घंटे के अंदर ये बैटरी 100% चार्ज हो जाती है और अगर आप नॉर्मली अगर गेम खेलते रहो तो इसकी बैटरी कम से कम 4 से 5 घंटे के ऊपर आराम से अगर चल सकती है। रहा सवाल अगर फुल बैटरी करने के बाद ये कितना देर तक अगर टिकेगा, तो मैंने कल 11 बजे उसको सुबह पूरा चार्ज किया था, उसके बाद आज सुबह 11 बजे मैंने उसको वापस चार्ज किया जब बैटरी 10% तक आई थी। इतना अच्छा बैकअप दिया जिसमें मैंने एक मिंट कंडीशन में इसको यूज़ किया, वीडियोज़ देखे, कुछ बार गेम खेला और कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ की, उसके बाद भी इस मोबाइल ने बहुत अच्छा बैकअप दिया। तो बैटरी लाइफ इस मोबाइल की बहुत बढ़िया है, अराउंड आप अगर नॉर्मली भी यूज़ करोगे तो ये मोबाइल 1 से 1.5 दिन आपका चल सकता है और अगर हेवी यूज़ करोगे तो 8 से 7-8 घंटा तो आराम से चल जाएगा।
दोस्तों इसकी स्क्रीन की अगर बात करें तो मैं इतना स्क्रीन के लिए हैप्पी नहीं हूँ, मगर आपको इतनी बढ़िया स्क्रीन ये नहीं लगेगी, मगर इस प्राइस के हिसाब से तो ये स्क्रीन बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा कोई डिमांड नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे जो नॉर्मल से काम है वो तो ये कर लेगा। दोस्तों बटन्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, फेस अनलॉक भी बहुत ज़बरदस्त है और फिंगरप्रिंट का सेंसर भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है, तो ओवरऑल ये सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त मोबाइल है। तो दोस्तों इसी तरह मैंने आपको इसका रिव्यू दिया है, ये बहुत बढ़िया मोबाइल है। शायद मैं कुछ भूल गया। ओके मैं समझ गया, बहुत सारे लोगों ने इस मोबाइल के बारे में कंप्लेंट की है कि इस मोबाइल में जो लाइट ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है वो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इस मोबाइल ने बहुत तकलीफ दी है। दोस्तों ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये प्रॉब्लम है और मेरे डिवाइस में भी है, मगर बहुत हल्का सा है, मगर मैं इसके साथ ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कम ऐसा समझ में आता है। ज़्यादातर वाइट बैकग्राउंड में या तो ग्रेइश बैकग्राउंड में आपको जो एलसीडी की डाउन साइड रहेगी वहाँ का ब्राइटनेस थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, मगर आप जब वीडियो प्ले करोगे, गेम्स प्ले करोगे या तो डेली एक्टिविटीज़ करोगे उसमें वो नोटिस भी नहीं होता। तो इसीलिए मैंने नहीं समझा कि इस इशू को ज़्यादा कोई बड़ा कर दिया जाए, मगर एक बात है कि Xiaomi जैसी कंपनी से हम लोग ये उम्मीद करते थे कि ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था, और शायद आने वाले समय में वो लोग इस मॉडल में से वो प्रॉब्लम हटा देंगे, बट मेरे मोबाइल में ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं करता। अगर आप लोगों को इसकी वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप जो रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है उसको चूज कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह मैं इस मोबाइल को 10 में से अराउंड 8 मार्क्स दूंगा, क्योंकि 2 मार्क्स मैं इसकी स्क्रीन क्वालिटी के लिए और थोड़े मोटे जो प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उसके लिए मैं कम कर रहा हूँ, मगर ओवरऑल देखा जाए तो ये मोबाइल बहुत मस्ट बाय मोबाइल है और ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। जितना पैसा आप दे रहे हो उसके हिसाब से ये मोबाइल में बहुत ज़्यादा फंक्शंस अच्छे हैं और इसका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है। अभी देखिए रात का समय हो रहा है, फिर भी इसकी जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है वो आपको समझ आ ही रहेगी कि कितनी अच्छा है। तो मैं इस मोबाइल को थम्स अप देता हूँ मेरी तरफ से। आने वाले समय में मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा और आप मेरे इस चैनल से जुड़िए जिसका नाम है प्रैक्टिकल मी। बेस्ट ऑफ लक।